वेलकम टू MF मास्टर क्लास। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछे तो वो आपको यही बताएंगे, इन्वेस्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिसिप्लिन। नाउ फॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपको ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन देता है विद द कन्वीनियंस ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। आप अच्छे से जानते ही होंगे कि SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें आप हर फिक्स्ड इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर आज हम इससे जुड़े एक डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। SIP स्किप करने का साइड इफेक्ट होता है क्या? क्या आपको पता है कि आपके लिए कितना महंगा हो सकता है? आइए देखते हैं। Friends, let's see how compounding works in a mutual fund. Now, let's assume कि आप सिर्फ ₹10,000 monthly SIP करते हैं, एक ऐसे fund जो 12% average return देता है. तो let's see what the calculations look like. SIP amount ₹10,000, average annual return 12%, investment tenure 5 years. This is how it looks. अगर आप सिर्फ ये SIP regularly maintain रखते तो सिर्फ 5 years में आपका total investment amount होगा 6 lakhs with estimated returns of 2.25 lakhs making a total corpus of around 8.25 lakhs. Naturally, the longer the tenure, the larger your corpus. लेकिन आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि SIP skip या stop करने से the chain breaks and you lose the advantage. For example, आपने कोई personal expenses के वजह से सोचा कि 3 months के लिए SIP skip कर देते हैं, तो ये table कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखा आपने, सिर्फ 3 months SIP skip करने का impact तकरीबन 45,000 का नुकसान। दोस्तों, जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, SIP स्किप करने से आपकी टोटल फंड वैल्यू कम हुई, लेकिन साथ ही ये आपके डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्टिंग को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर, इसमें इतना क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे आपका और टैंजिबल लॉस भी हो सकता है। एक SIP मिस करना आपको शायद छोटा नुकसान लगे, लेकिन द ऑपर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी मोर। वो ₹10,000 का SIP जो आपने अगर मिस किया, हो सकता है कि उस मंथ मार्केट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको ज्यादा यूनिट्स भी मिल सकते थे। नाउ अपार्ट फ्रॉम कंपाउंडिंग, rupee cost averaging also is a very powerful concept that protects you from the market volatility. लेकिन क्या आप जानते हैं कि SIP miss करना इस averaging benefits को भी disturb कर जाते हैं? जब आप हर महीने invest करते हैं, आप हर market situation में कुछ units खरीदते हैं। Now high market में fewer units and low markets में more units. Now अब अगर आप एक महीने मिस कर देते हैं तो आपका मार्केट फ्लक्चुएशन का फुल एडवांटेज आप नहीं उठा पाएंगे। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा SIPs आप मिस करेंगे, उतना उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फंड वैल्यू पे होगा। नाउ कंपाउंडिंग में गैप आने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए बनाया गया प्लान से बहुत दूर चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नाउ एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्रंच के दौरान शायद SIP स्किप करना लॉजिकल हो, लेकिन एक और अल्टरनेटिव की अगर आपको लगता है कि आप SIP अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अपना अमाउंट एडजस्ट भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल SIP इज वेरी फ्लेक्सिबल मोड ऑफ इन्वेस्टिंग। बट डू रिमेंबर फ्रेंड्स दैट मिसिंग 3 SIPs in a row can lead to the cancellation of the SIP, which can cause a serious dent to your investment portfolio. तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि एक SIP skip करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? हमारा कहना है कि हर SIP miss करने का आपको एक cost होता है, और उसको समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूड रखने के लिए SIP स्किप ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इफ यू रियली लाइक दिस कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.